नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विटामिन ए। ये न्यूट्रिशन भाग 5 है या न्यूट्रिशन पार्ट 5, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं विटामिन ए के बारे में पूरी विस्तार सहित जानकारी। विटामिन ए इम्यूनिटी और आंखों के लिए वरदान है। विटामिन ए जाने इसके बारे में सब कुछ। विटामिन ए बॉडी के सुचारू रूप से काम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए की आवश्यकता होती है। इससे कोशिका वृद्धि, इम्यून फंक्शन, दृष्टि और भ्रम के विकास में मदद मिलती है। विटामिन ए स्किन के लिए फायदेमंद है, नाखूनों और बालों को बेहतर विकास के लिए भी फायदेमंद है। ऐसे कई खाद्य पदार्थ हैं जिसमें विटामिन ए की भरपूरी मात्रा पाई जाती है। खान पान में विटामिन और खनिजों को शामिल करने में संतुलित आहार होता है, जो कि सेहतमंद शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। विटामिन ए भी शरीर के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं विटामिन ए पर कुछ रिपोर्ट के अनुसार विटामिन ए आपको इन खाद्य पदार्थों के ज़रिए मिल सकता है। इसके क्या फ़ायदे हैं और इसकी कमी से क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं। सबसे पहले हम जानते हैं विटामिन ए के फ़ायदों के बारे में। तो विटामिन ए के फ़ायदे, विटामिन ए का सेवन करने से आँखों की रोशनी बढ़ती है, यह रतौंधी से भी बचाता है। खाने में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए शामिल करने से बढ़ती उम्र में कमज़ोर होने वाली आँखों की रोशनी भी ठीक रहती है। विटामिन ए खाने में शामिल करने से बॉडी का रोग प्रतिरक्षा तंत्र भी बेहतर होता है। इससे बॉडी को कई तरह के रोगों और वायरस से लड़ने के लिए मजबूती मिलती है, यानी कि ये इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। विटामिन ए आपकी स्किन के लिए भी वरदान है। यह सूजन कम करता है और मुहासों की समस्या भी इससे दूर होती है। विटामिन ए से सेल को विकसित होने में मदद मिलती है। इससे बालों की ग्रोथ और नाखूनों की ग्रोथ भी बेहतर होती है। खान पान और विटामिन ए शामिल करने से हड्डियां भी मजबूत होती हैं। इसके साथ ही विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं, जो कि ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप कैंसर, हृदय रोग का खतरा काफ़ी कम हो सकता है। विटामिन ए की कमी के लक्षण, शरीर में विटामिन ए की कमी होने से निम्नलिखित लक्षण सामने आ सकते हैं। रूखी त्वचा, रतौंधी, गर्भधारण करने में परेशानी, गले का संक्रमण, मुहासे, घाव भरने में देरी, कमज़ोर हड्डियाँ। इन खाद्य पदार्थों में विटामिन ए पाया जाता है, वह हैं विटामिन ए के विभिन्न स्रोत, जिसमें के पौधे आधारित और पशु आधारित स्रोत शामिल हैं। विटामिन ए कॉड लीवर ऑयल, अंडे, अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियों, नारंगी और पीले फल व सब्जियों में, जैसे कि गाजर, पपीता आदि फलों में पाया जाता है। और इसके साथ हम विटामिन के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। विटामिन के, शरीर में विटामिन के की कमी से बिगड़ सकती है किडनी, लीवर की सेहत। विटामिन के लिए खाएं ये फूड्स। विटामिन के की कमी से होने से शारीरिक समस्याएं कई हो सकती हैं, जैसे कि विटामिन के हृदय, किडनी, लीवर से संबंधित होने वाली बीमारियों से आपको बचाता है। इतना ही नहीं, यह शरीर में रक्त प्रवाह को सुचारू बनाता है। चोट लगने पर जब खून बहता है तो ब्लड क्लॉट भी इसी विटामिन की मदद से बनता है। विटामिन के कई हैं और सभी विटामिन के महत्व शरीर के लिए अलग अलग होते हैं।
किसी भी विटामिन की कमी होने से आपके शरीर को समस्याएं शुरू हो जाती हैं, जैसे कि विटामिन सी की कमी होने से इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, त्वचा डल और बेजान हो जाती है। उसी तरह विटामिन डी की कमी से हड्डियों से संबंधित रोग पाए जाते हैं। एक ऐसा ही विटामिन है विटामिन के, जिसकी कमी होने से कई तरह के शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। विटामिन के हृदय, किडनी, लीवर से संबंधित होने वाली बीमारियों और आपको बचाता है। इतना ही नहीं, यह शरीर के रक्त प्रवाह को सुचारू बनाता है। चोट लगने पर जब खून बहता है तो ब्लड क्लॉट भी इसी विटामिन की मदद से ही बनता है। विटामिन के ब्लड सेल्स के लिए क्यों ज़रूरी है? शरीर में विटामिन की कमी हो तो चोट लगने या घाव होने पर रक्त बहना जल्दी बंद नहीं होगा। विटामिन के ब्लड सेल्स के लिए बेहद खास होता है। अगर विटामिन के की कमी होती है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। इससे चोट लगने पर बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। प्रेगनेंसी में भी डॉक्टर महिलाओं को विटामिन के युक्त डाइट लेने को सलाह देते हैं। इससे भ्रूण का संपूर्ण विकास सही तरीके से होता है। आप कुछ फूड्स के ज़रिए विटामिन के की कमी को दूर कर सकते हैं, जैसे कि शलगम, आवाकाडो, अनार, पत्ता गोभी, हरा मटर, ये सब विटामिन के लिए। शरीर में विटामिन के की कमी हो तो चोट लगने या घाव होने पर रक्त जल्दी बंद नहीं होगा। इसके लिए आपको विटामिन के रिच या फिर विटामिन के भरपूर भोजन लेने की आवश्यकता है, जो कि शलजम, आवाकाडो, अनार, पत्ता गोभी और हरे मटर में पाए जाते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले है शलजम। शलजम में विटामिन ए और विटामिन के दोनों ही भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। शलजम के आधा कप सब्जी और साग में लगभग 441 मिलीग्राम विटामिन ए और 851 माइक्रोग्राम विटामिन के पाया जाता है, जबकि इसमें कैलोरी सिर्फ 24 होती है। इसके अलावा भी शलजम में ढेर सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे कि विटामिन सी, फॉलेट और कैल्शियम आदि। इससे अगला है आवाकाडो। आवाकाडो में सबसे ज़्यादा विटामिन के, फॉलेट, विटामिन सी जैसे कई पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। आवाकाडो का सेवन वजन कम करने के साथ हृदय को स्वस्थ रखने के लिए भी फायदेमंद होता है। 100 ग्राम आवाकाडो में 21 mcg विटामिन के होता है। इससे अगला है नंबर 3, अनार। अनार विटामिन के का अच्छा स्रोत है। शरीर में खून की मात्रा बढ़ाने के लिए अनार का सेवन किया जाता है। अनार में मौजूद पोषक तत्व त्वचा के लिए, दिल को स्वस्थ रखने के साथ कई समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। 100 ग्राम अनार में 16 mcg विटामिन के पाया जाता है। नंबर चार पत्ता गोभी। पत्ता गोभी विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के का बेहतरीन स्रोत है। इसके अलावा इसमें फाइबर भी भरपूर पाया जाता है। 1 कप पत्ता गोभी में 53.2 माइक्रोग्राम विटामिन के होता है। पत्ता गोभी के अलावा फूल गोभी में भी विटामिन के की मात्रा होती है, इसीलिए इसका सेवन भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। हरा मटर। मटर का सेवन ज़्यादातर लोगों को पसंद होता है। सब्जियों के साथ कच्चे मटर का भी सेवन करना फ़ायदेमंद माना जाता है। 100 ग्राम हरे मटर में 26 mcg विटामिन के होता है। और इसके साथ ही हमारा न्यूट्रिशन भाग 5 समाप्त होता है। और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।